अजमेर सरस डेयरी संयंत्र एवं पाउडर प्लांट के सफल संचालन हेतु पुरानी विद्युत लाइन के स्थान पर अजमेर टाटा पावर द्वारा नई हाई टेंशन लाइन डाली गई, जिसका आज विधिवत उद्घाटन RSDF की प्रशासक एवं प्रबंधक संचालक सुषमा अरोड़ा एवं अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि अजमेर सरस डेयरी संयंत्र एवं पाउडर प्लांट के सफल संचालन हेतु टाटा पावर द्वारा 33 KV सब स्टेशन की स्थापना अजमेर सरस डेयरी के निकट की गई, जिसका आज विधिवत उद्घाटन सुषमा अरोड़ा ने किया। इस दौरान डेयरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी, बोर्ड के सदस्य एवं डेयरी से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अजमेर सरस डेयरी के इतिहास को लेकर फिल्मांकन भी किया गया है। अजमेर सरस डेयरी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को आज सभी ने देखा। अजमेर सरस डेयरी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से डेयरी के संघर्ष एवं डेयरी के बारे में उपलब्धियों को दर्शाया गया है। अजमेर सरस डेयरी ने ग्राम फतेहगढ़ से अपनी शुरुआत की थी। आज उत्तर भारत की सरस डेयरी सबसे बड़ी डेयरी बन चुकी है। अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी ने अजमेर सरस डेयरी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया। इस दौरान अजमेर सरस डेयरी के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न ग्राम पंचायतों में बनी डेयरी समितियों के सदस्य मौजूद रहे। RSDF की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक सुषमा अरोड़ा ने भी अजमेर सरस डेयरी की जमकर तारीफ करते हुए बताया कि अजमेर सरस डेयरी के उत्पाद गुणवत्ता पूर्वक हैं। आज अजमेर सरस डेयरी द्वारा बनाया गया मिल्क पाउडर विभिन्न जिलों में वितरित किया जा रहा है। उन्होंने रामचंद चौधरी डेयरी अध्यक्ष की भी जमकर तारीफ की। अजमेर डेयरी राजस्थान का पहला अत्याधुनिक डेयरी प्लांट है, जिसका निर्माण अजमेर डेयरी के ब्यामर रोड स्थित परिसर में ही है। नया दुग्ध प्लांट लगभग 20 बीघा जमीन पर बना है। अजमेर डेयरी प्लांट उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट है। सरस डेयरी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, नित नए नवाचार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से अजमेर डेयरी प्रगति के पथ पर अग्रसर है और परिणाम हम सबके सामने हैं और आप लोग भी रेगुलरली यहाँ विजिट करते हैं। मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ और आज मेरी यात्रा का उद्देश्य भी यहाँ पे यही था। नियमित जो हमारी एक विजिट होती है वो तो है ही, उसके साथ ही कुछ नवाचार और नई चीजें हम कैसे कर सकते हैं और अगर हम कर रहे हैं तो उसको प्रोत्साहन देने की दिशा में ही ये विजिट हमने आज की प्लान करी थी। आपको मालूम है कि विद्युत आपूर्ति जो है वो एक बड़े प्लांट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। अबाधित आपूर्ति होती है, उसी दिशा में उन्होंने बिजली के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होने के लिए जो ST लाइन है वो करी, जिसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा कुछ नए प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ बात होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारा उपभोक्ता जो है वो हमसे बहुत अपेक्षा करता है कि हम नए प्रोडक्ट क्या ला रहे हैं, और आज इतना कंपटीशन है मार्केट में डेयरी सेक्टर में। उसी दिशा में आपने मुझे बताया है कि मैंगो कुल्फी जो है वो इन्होंने नई लॉन्च करी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अभी आप लोगों ने भी टेस्ट किया उसको, और मावा कुल्फी जो है मैंगो के साथ में फ्लेवर, और एक ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है मैंगो फ्लेवर के साथ में वो है, और जो फ्रूट योगर्ट है जो मैं हमेशा से कहती रही हूँ यूज में बहुत डिमांड है, लोग पसंद करते हैं, और उसमें भी एक स्ट्रॉबेरी और मैंगो पे भी शुरुआत करी है, उस पर ट्रायल पे चल रहा है काम। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट जो है वो निकल करके आएगा जो लोगों में बहुत पॉपुलर होगा। मैम, विद्यालय में बाल गोपाल योजना के तहत दूध का वितरण किया जा रहा है, अजमेर सरस डेयरी द्वारा भी वितरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पूरे राजस्थान में मिड डे मील के तहत जो ये बाल गोपाल योजना है उसके तहत मिल्क पाउडर जो है आपूर्ति की जा रही है, और सबको मालूम है ये बात कि पहले सप्ताह में 2 दिन बच्चों को दूध देने का एक टारगेट रखा गया था, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जिसमें 6 दिन तक बच्चों को स्कूल में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। उसके तहत जो मिड डे मील के तहत दूध पाउडर जो है मिल्क पाउडर उसकी आपूर्ति 3 गुना हो गई और सभी लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करा रहे, और इस योजना के तहत लगभग 7,000 मेट्रिक टन मिल्क पाउडर RCD जो है पूरे राजस्थान में उपलब्ध करा रहा है, और जो अधिकांश मिल्क पाउडर जो है वो हमारे प्लांट्स में ही तैयार हो रहा है।
अजमेर डेयरी भी निश्चित रूप से राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजिंग डायरेक्टर पूरे राजस्थान के कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के। आपको बुलाने का मकसद ये था कि इनके मार्गदर्शन में आज आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी देखेंगे अभी, और फिर उधर पावर लाइन का भी देख के आए हैं, उद्घाटन करके आए हैं। जो भी कमी होगी, इनके जो आदेश होंगे, निर्देश होंगे, उनकी पालना करेंगे। मेरे को सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने बजट में मेहनत करके 2 दिन के पाउडर को 6 दिन कराए। और गांव वाले हमसे पूछ रहे थे कि आप अपने पाउडर का भाव उठे देखो, अपन का ही फायदा हो। 1 किलो पाउडर मैडम के प्रयासों से बाजार में 320 रुपये किलो है पाउडर की रेट, आप 420 रुपये में गवर्नमेंट को तय कराएंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 1 किलो पाउडर में 100 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, उसके कारण पूरे राजस्थान में मैडम ने दूध के भाव कम नहीं होने दिए। सब चेयरमैनों को MD को डंडा बचा के पैसे डाल कर ना ही भाव कम नहीं करोगे, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूँगी पैसे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अजमेर डेयरी, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में 34 लीटर सिविल लाइन पहले दिन दूध आया, 34 लीटर दूध का विपणन मैंने आँखों से देखा है। तब से मेरे तमन्ना थी गाँव में कुछ काम करूँ। जो कुछ हमने काम किया वो फिल्म में है। और दूसरा ये है कि आज हम मैडम भी महसूस करती है, इनका आशीर्वाद है। अजमेर डेयरी में आर्थिक संकट अभी चल रहा है, आर्थिक संकट में ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब हो, हमें थोड़ा ट्रबल में, क्योंकि इसकी किस्तें भी देनी पड़ती हैं, उसका ब्याज भी देना पड़ता है। और ब्याज NCDC का 11.5% उसको अभी कर रहे हैं, परंतु उसके लिए आपका जो है, मैं ये इन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, ये हमको 30 करोड़ रुपये का पशु आहार का ये मांगते हैं, कहते हैं हम तो फिर कहते हैं देंगे मैडम, नहीं देते हैं तो भी 30 करोड़ का ब्याज तो हमारे इनके कारण, मैडम के कारण कम लग रहा है। ये सहयोग है अजमेर डेयरी का, और हम रोज़ 50 लाख रुपये रोज़ इनको दे रहे हैं, और केटल फीड को, केटल फीड मैडम के अंडर में। तो अजमेर डेयरी को ये अपनी डेयरी समझ।